नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे डिफेंस कॉरिडोर को ध्यान में रखकर शुरू किए जा रहे नए कोर्स की। वे कौन सी दो बड़ी परीक्षाएं हैं जिनकी डेट एक ही दिन पड़ रही हैं? क्या है ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर? और अंत में बात करेंगे वेस्ट यूपी की मांग को लेकर छिड़ी चुनावी बहस पर। इसके अलावा प्रदेश की और भी कई खबरों से करवाएंगे आपको रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में बनने जा रहे डिफेंस कॉरिडोर से भविष्य में रोजगार के अवसरों को ध्यान में रखते हुए अब लखनऊ स्थित अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी नए कोर्स शुरू कर रही है। यूनिवर्सिटी में डिफेंस कॉरिडोर और डिफेंस स्टडी से संबंधित कोर्स शुरू करने का खाका तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा बीटेक, एमटेक और पीएचडी में डिफेंस कॉरिडोर को ध्यान में रखकर कई पेपर या टॉपिक भी शामिल किए जाएंगे। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की आईएएस प्रारंभिक परीक्षा और यूजीसी की नेट परीक्षा की तिथि आपस में टकरा गई है। आईएएस प्रारंभिक परीक्षा 16 जून को प्रस्तावित है। वहीं इसी बीच में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट जून 2024 के लिए जारी अधिसूचना में परीक्षा की तिथि 16 जून प्रस्तावित कर दी है। ऐसे में दोनों ही परीक्षाएं 16 जून को ही पड़ रही हैं, जिसकी वजह से छात्र काफी परेशान हैं, क्योंकि काफी प्रतियोगी छात्र दोनों परीक्षाओं में शामिल होते हैं। बता दें कि ऑनलाइन आवेदन 20 अप्रैल से शुरू हो गए हैं और ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख 10 मई निर्धारित की गई है। साथ ही परीक्षा की तारीख 16 जून प्रस्तावित है। अब पुस्तकालयों के रैक और अलमारी में किताबें ढूंढने में घंटों समय जाया करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब एक क्लिक पर आपकी मनपसंद किताब आपके सामने होगी। ये सब कुछ ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर पर किताबों का ब्यौरा ऑनलाइन होने से संभव होगा। ज्यादा से ज्यादा पाठकों तक पुस्तकों की पहुंच सुलभ कराने के मकसद से प्रदेश भर के पुस्तकालयों की किताबों को ऑनलाइन किया जा रहा है। पुस्तकालयों को NIC के विकसित ई ग्रंथालय के सॉफ्टवेयर पर अपलोड करने के काम को तेजी से अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि इसकी लॉन्चिंग चुनाव के बाद होगी। स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न चिकित्सा अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए आज से संशोधन विंडो खोल दी गई है। जिन उम्मीदवारों के आवेदन पत्र में कोई त्रुटि रह गई है, वे आज से आवेदन पत्र में सुधार कर सकते हैं। आवेदन पत्र में सुधार या बदलाव उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.up.nic.in के माध्यम से कर सकते हैं। बता दें कि 30 अप्रैल 2024 आवेदन पत्र में सुधार करने की अंतिम तारीख है। वहीं इस भर्ती के माध्यम से चिकित्सा अधिकारी के कुल 2532 पदों को भरा जाएगा। नेवल डॉकयार्ड मुंबई ने आज से विभिन्न ट्रेंडों के 300 से अधिक अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आज से इन पदों के लिए आधिकारिक वेबसाइट indiannavy.nic.in के माध्यम से इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत कुल 301 पदों पर भर्ती की जाएगी। वहीं पंजीकरण प्रक्रिया 10 मई 2024 को समाप्त होगी। रक्षा मंत्रालय के DPSU ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड GIL कंपनी की देश में एकमात्र उत्पादन यूनिट आयुक्त पैराशूट निर्माण OPF कानपुर को 30 गजराज 2 पैराशूट टेक्निकल असॉल्ट सिस्टम की सप्लाई का ऑर्डर मिला है। वायुसेना इन पैराशूट का उपयोग युद्धाभ्यास में करेगी। पैराट्रूपर्स इस पैराशूट सिस्टम से 400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति में उड़ने वाले विशेष विमान से अत्यधिक ऊंचाई और दुर्गम क्षेत्रों में बिना जोखिम के सुरक्षित उतर पाएंगे। साल 1920 में बेगम सुल्तान जहां को AMU की कुलपति नियुक्त किया गया था। बेगम सुल्तान जहां का ताल्लुक भोपाल घराने से था, जिसके बाद 100 साल की अवधि में कुलपति नियुक्त की गई नईमा खातून पहली महिला है। बता दें कि 24 मई 1857 को AMU की स्थापना की गई थी। स्थापना के वक्त मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल के नाम से इसे जाना जाता था और 1920 में इसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाया गया। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तर्ज पर इसकी स्थापना की गई थी। लखनऊ में तेज धूप में ड्यूटी करने वाले सभी ट्रैफिक कर्मियों को जल्द ही AC हेलमेट मुहैया कराया जाएगा। हजरतगंज के अटल चौक चौराहे पर सोमवार को AC हेलमेट का डेमो हुआ। ट्रायल लेने वाले सिपाहियों ने हेलमेट की सराहना करते हुए गर्मी में काफी असरदार बताया। इसे लगाने के बाद सिर से लेकर आंखों तक को काफी राहत मिली।
गर्मी के दिनों में ट्रैफिक को कंट्रोल करते सिपाहियों को यह काफी राहत देने वाला हेलमेट साबित होगा। हालांकि इसको लेकर अभी कई प्रकार की चर्चा चल रही है। सेहत को नुकसान के बिंदु पर अभी इसे आंकलन किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के अनुपालन में उत्तर प्रदेश में परिवर्तन एजेंसियों और उड़न दस्तों द्वारा अवैध शराब, नकदी आदि की जब्ती पर तेज कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश में आबकारी, आयकर, पुलिस और नारकोटिक्स विभाग एवं अन्य परिवर्तन एजेंसियों द्वारा 1 मार्च से 22 अप्रैल 2024 तक कुल 31,898.16 लाख रुपए की शराब, ड्रग, बहुमूल्य धातुएं और नकदी आदि जब्त किए गए। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आज मेरठ में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार अगर वोट डालने वाली मशीन में गड़बड़ी नहीं हुई तो चुनाव परिणाम बेहतर रहेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र में अगर हमारी सरकार आएगी तो हम पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाएंगे। साथ ही आगे कहा कि मेरठ काफी समय से हाई कोर्ट बेंच की मांग कर रहा है, हम सत्ता में आते ही इस मांग को भी पूरा करेंगे। आज का यूपी में फिलहाल इतना ही। अपने शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।